हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है टॉप 20 अपकमिंग कार्स इन इंडिया 2019 में। अच्छा, तो इस साल कौन कौन सी नई गाड़ियां आ रही हैं इंडिया में लॉन्च? काफी फेमस कार्स हैं इंडिया की जो अपनी ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स बहुत ज्यादा हैं। हमने पहले भी कार्स पर काफी पहले एक वीडियो की थी, उसमें हमें पता चला था काफी इंडिया की ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड है। महिंद्रा और टाटा, तो टाटा ये दो का तो एक बड़ा प्रोमिनेंट नेम बेस्ट है। एग्जैक्टली, सो लेट्स सी कौन कौन सी कारें आ रही हैं जो 2019 में आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी। ओके, देखते हैं भाई। गाड़ी वादी.com 1 2 3 go। हेलो एंड वेलकम टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं गाड़ीवाड़ी.com के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारों की जो आने वाले साल 2019 के दौरान भारत में लॉन्च की जाएंगी। तो तकरीबन 20 कार्स को लॉन्च किया जाना है अगले साल के दौरान। तो सबसे पहले टाटा लेके आ रहा है हैरियर एसयूवी को। 15 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा और ये गाड़ी जीप की कंपस को राइवल करेगी। उसके अलावा निशान लेके आ रहा है एक एसयूवी किक्स। एसयूवी को लॉन्च किया जाना है अगले साल के शुरुआत में, जनवरी के आसपास ही इसका लॉन्च होने की भी हमें उम्मीद है और ये गाड़ी ह्यूंडई की क्रेटा को राइवल करेगी। और वहीं मारुति सुजुकी वैगनार को बिल्कुल एक नए अवतार में लेके आ रहा है, उसका लॉन्च हमें फरवरी के आसपास होने की उम्मीद है। ये गाड़ी 4 लाख रुपीज के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी और ये गाड़ी सीधे सीधे ह्यूंडई की जो न्यू सेंट्रो आई है उसको राइवल करने वाली भारत के अंदर। अगले साल की शुरुआत में महिंद्रा एक और एसयूवी को भारत में लॉन्च कर सकता है जो विटारा ब्रेजा के सेगमेंट से बिलोंग करेगी। एक्सयूवी 300 या इन्फेर्नो इसका नाम हो सकता है और ये गाड़ी 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में आएगी। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर काफी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स रहने वाले हैं, जैसे कि सनरूफ, उसके अलावा रियर डिस्क ब्रेक्स भी आएंगी इस गाड़ी के अंदर और सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन मिलेगा महिंद्रा की इन्फेर्नो या यूं कहें कि महिंद्रा की एक्सयूवी 300 को। इसका लॉन्च हमें मार्च के आसपास होने की उम्मीद है। और वहीं रेनो भी एक नई गाड़ी को लेकर आ रहा है जो अगले साल के दौरान लॉन्च की जाएगी, मार्च या अप्रैल में इसका लॉन्च हो सकता है। आरबीसी के नाम से इसका कॉन्सेप्ट का कोड नेम है और ये एक 7 सीटर एमपीवी होगी। इसका प्राइस रेंज 6 लाख रुपए के आसपास रह सकता है और ये रेनो की क्विड के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई गाड़ी है। लाइट वेट होगी और इंजन इसके अंदर 1.5 लीटर का रहने वाला है। दोस्तों, कीमत 6 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जा सकती है इस गाड़ी की और इसका लॉन्च अगले साल के अप्रैल तक होने की हमें उम्मीद है। और फोर्ड भी फिगो को बिल्कुल नए अवतार में लेके आ सकता है। फोर्ड ने एस्पायर को तो लॉन्च कर दिया है नए अवतार के अंदर, वहीं फिगो का लॉन्च हमें अगले साल के मई या जून तक होने की उम्मीद है। और उसके अलावा ह्यूंडई भी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के जो सेगमेंट में कदम रखने वाला है, QXI इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। 2016 ऑटो एक्सपो के दौरान इसको दिखाया गया था कार्लिनो कॉन्सेप्ट के रूप के अंदर। दोस्तों, ये एक 5 सीटर एसयूवी होगी और इसका प्राइस रेंज कुछ 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है। इसके अंदर 1.4 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा और दोस्तों कीमत इस गाड़ी की 7 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो सकती है। और QXI की लॉन्च के तुरंत बाद ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में लेके आ सकता है। कुछ 20-25 लाख रुपीज के प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा और ये गाड़ी शायद एक मास प्रोडक्शन के रूप में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन सकती है। इसका लॉन्च हमें जून जुलाई के आसपास होने की उम्मीद है। और वहीं होंडा भी सिविक को वापस लेके आ रहा है भारत के अंदर। पहले तो उम्मीद थी कि इस साल के अंत तक इस गाड़ी को भारत में लॉन्च किया जाएगा, बट अब इसका लॉन्च अगले साल के मिड तक होने की हमें उम्मीद है। ये गाड़ी सीधे सीधे ह्यूंडई की एलेंट्रा और टोयोटा की कोरोला को राइवल करेगी और कीमत इस गाड़ी की कुछ 20 लाख रुपीज के आसपास रह सकती है। और वहीं टाटा भी 4x5 प्रीमियम हैचबैक को लॉन्च कर सकते हैं भारत में अगले साल के मिड तक और ये गाड़ी मारुति सुजुकी की वलिनो और ह्यूंडई की इलीट i20 को राइवल करेगी। कीमत इस गाड़ी की कुछ 6 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट होकर 8 लाख रुपए तक जा सकती है और इसको अगले साल के मिड तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। और हो सकता है कि इसके अंदर वही इंजन दिया जाए जो टाटा ने JTP वर्जन के अंदर दिया है पेट्रोल के अंदर। डीजल में सेम वही 110 PS का इसमें डीजल इंजन दिया जाएगा और इसका लॉन्च अगले साल के मिड तक होने की हमें उम्मीद है। दोस्तों, इसके बाद ह्यूंडई न्यू ग्रैंड आइटन को भारत में लॉन्च करने वाला है जो एग्जिस्टिंग ग्रैंड आइटन को रिप्लेस करेगी भारत के अंदर। कीमत में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं मिलेगा, बट इसको शायद ऑल न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा। पहले से ज़्यादा लाइट होगी ये गाड़ी और माइलेज भी इसकी बढ़ने वाली है। डिजाइन में काफ़ी सारे एलिमेंट्स को चेंज किया जाएगा इस गाड़ी के अंदर और ये गाड़ी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट को ही राइवल करने वाली है। और उसके अलावा किया भारत में अपनी पहली गाड़ी को लॉन्च करने वाला है जो किया SP के ऊपर बेस होगी। किया SP कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था 2018 ऑटो एक्सपो के दौरान और ये गाड़ी ह्यूंडई की क्रेटा को राइवल करेगी भारत के अंदर और कीमत इस गाड़ी को 16-17 लाख रुपए के आसपास रखी जा सकती है। और उसके अलावा MG मोटर्स भी अपनी पहली गाड़ी को भारत में लॉन्च करने वाला है अगले साल की मिड तक।
ये एक 25 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी गाड़ी और ये सीधे सीधे होंडा की CRV को राइवल करेगी। और ये गाड़ी पाउजन 530 के ऊपर बेसिक SUV हो सकती है और इसके अंदर 7-सीटर का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और उसके अलावा टोयोटा भी दोनों ही गाड़ियों को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है अगले साल के मिड तक। और टोयोटा बलेनो के ऊपर बेस एक प्रीमियम हैचबैक को लेके आ रहा है जो मारुति सुजुकी और टोयोटा के कोलैबोरेशन के तहत बनाई जाएगी। डिजाइनिंग एलिमेंट्स में काफ़ी सारा बदलाव मिलने की हमें उम्मीद है इस गाड़ी के अंदर, बट इंजन शायद टोयोटा सुजुकी वाले ही रिटेन करने वाले इस गाड़ी के अंदर। टोयोटा एक और गाड़ी को लेकर आएगा जो विटारा ब्रेजा के ऊपर बेस होगी, ये कॉम्पैक्ट SUV होगी, इसका प्राइस रेंज भी 9 लाख रुपए के आसपास भारत में रह सकता है। उसके अलावा मारुति सुजुकी बलेनो का फेसलिफ्ट भारत में लेके आ सकता है। 2016 के दौरान इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और उसके बाद से कोई इसको बड़ा अपडेट नहीं मिला इसके डिजाइन के अंदर, तो इस गाड़ी को भी सितंबर अक्टूबर तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत में बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा और इसको सिर्फ विजुअल चेंजेस मिलने वाले हैं डिजाइन के अंदर। और ह्यूंडई एक और प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है अगले साल के अंत तक। एलेंट्रा और ट्यूसन का फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च किया जाएगा और इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च अगले साल के अंत तक होने की उम्मीद है। एलेंट्रा के डिजाइन में काफी बड़े बदलाव मिलने वाले हैं और काफी एग्रेसिव स्टाइलिंग दी गई है इस गाड़ी को। कीमत में भी 50,000 से 60,000 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है इस गाड़ी के अंदर। और मारुति सुजुकी अगले साल के मिड तक भारत में लॉन्च करने वाला है स्विफ्ट का RS वेरिएंट। 1 लीटर का इसके अंदर इंजन दिया जाएगा जो तकरीबन 104 PS की पावर डिलीवर करेगा। कीमत में 50,000 से 60,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आप लोगों को। और ये टाटा की टियागो JTP को राइवल करने वाली भारत के अंदर। और वहीं टाटा मोटर्स हैरियर का 7-सीटर वर्जन भी भारत में लॉन्च करेगा अगले साल के अंत तक। पब्लिक रोड्स के ऊपर इसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है और हो सकता है कि इसको एक बिल्कुल नए नाम के साथ लॉन्च किया जाए, शायद टाटा सियरा के नाम से इसको भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ये एक 7-सीटर कार होगी। इंजन स्पेक्स और डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा इसको टाटा के हैरियर के मुकाबले, और इसका लॉन्च अगले साल के अंत तक होने की हमें उम्मीद है। कीमत इस गाड़ी कुछ 18 लाख रुपए के आसपास रह सकती है भारत के अंदर। और वहीं जो इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आती गाड़ी वो है मारुति सुजुकी की Y1K माइक्रो SUV। ये एक बिल्कुल नई गाड़ी होगी जो मारुति सुजुकी इग्निस के आसपास वाले सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। SUV जैसा डिजाइन इस गाड़ी का दिया जाएगा और ये गाड़ी 5 से 6 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में प्लेस की जाएगी। तो दोस्तों ये वो 20 कार्स हैं जो अगले साल के अंत तक भारत में लॉन्च की जाएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई राइट 20 कार्स जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और अगर आप मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल की देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, तुमने एक बात नोट की है, वो जो इसमें एक कार थी टाटा की H5X जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो कार थी वो यही वाली कार थी। बिल्कुल, वो जो सबसे पहले दिखाई, हां सबसे पहले दिखाई आपको, वो उसकी शेप बहुत अच्छी थी, उसकी शेप बहुत अच्छी, उसके फीचर्स बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं। और वो जो 7-सीटर टाटा लॉन्च करने लगा, हां टाटा 7-सीटर, वो मुझे काफी अट्रैक्टिव चीज लगी है, वो भी बहुत अच्छी, उसकी शेप पूरी वो एक ना मजे की चीज, वो नहीं कहते जान वाली चीज लग रही थी देखने में। ये लास्ट वाली कार भी अच्छी थी, ये पता नहीं कौन सी, ये छोटी कार नहीं, उससे पहले वाली वो 7-सीटर जो थी। अच्छा उसी की बात कर रहे हो, 7-सीटर वो टाटा की थी, वो टाटा की थी ना, उसकी बहुत अच्छी थी। मुझे एक वो कार अच्छी लगी, 7-सीटर और एक सिविक, वो मुझे ऑलरेडी पसंद है। सिविक तो यहाँ पाकिस्तान में काफी फेमस है, लेकिन इंडिया में सिविक का इतना वो नहीं था, मतलब सुना था कि इतना नहीं, ये कि मेरे ख्याल से इसी साल वापस आ रही है, कोई नया मॉडल लॉन्च किया है। अभी जो इन्होंने शेप दिखाई वो वही है जो अभी पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन उसका नया मॉडल लॉन्च होगा मेरे ख्याल से। यार वो बहुत बहुत अच्छी शेप है सिविक की, है ना, वो मजे की चीज है, अच्छी कार है वो, तो मतलब कार लवर जो है पाकिस्तान के वो 50% लोगों का क्रश है वो कार। हां वो इस साल मतलब रिकॉर्ड सेल गई है सिविक की, उस मॉडल की, उस मॉडल वो 17 में था मॉडल, और 18 में भी वही रहा है। हां वो मॉडल सबसे ज्यादा बहुत इन रहा है पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा इन रहा है वो सिविक का वो मॉडल, लेकिन कंपैरेटिवली ना इंडिया में ऑप्शंस ज्यादा है लोगों के पास, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम है, इसलिए सिविक प्रेफर होती है, क्योंकि वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब किया की यहां पे चल रही है, और वहां पे वो कह रहे थे कि फर्स्ट लॉन्च आ रहा किया का, तो इससे पहले वहां पे लॉन्च नहीं हुई शायद किया है यार, हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें भी किया का था, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोरियन कंपनी है, मेरे ख्याल से किया जो है, हो सकता कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे ना, वैसे तो है इंडिया में किया, पर ये है भी कोरियन कंपनी। इंडिया की जो है वो बजाज है, महिंद्रा है और टाटा, ये तीन तो मुझे पता है, उसके अलावा भी काफी सारी होंगी, पर महिंद्रा की कार हमने सुना बहुत अच्छी है, टाटा की भी बहुत अच्छी है। ये जो इंडिया की जो अपनी कंपनी जो इंडिया ओन करता है ना कुछ कंपनीज, इन्हीं की वजह से प्राइस का भी डिफरेंस देखा ना, इन कार्स के प्राइस का भी प्राइस डिफरेंस है, वो एक तो सिविक की इन्होंने 20 लाख बताई, यहां पर वो 30 की है,
इस तरह करके इस तरह है डिफरेंस है लेकिन प्राइस में। वो असल में इकोनॉमी का भी है ना, रुपए करेंसी का भी करेंसी डिफरेंस प्राइस है। का भी डिफरेंस है। लेकिन जो मेक इन इंडिया वाला है ना चीज़ें, जो मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी कंपैरेटिवली काफ़ी असल में इकोनॉमिकल है। लोकली जब मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए ना चीज़ें, तो फिर उसका बेनिफिट ही यही मिलता है। पाकिस्तान में भी अगले 4-5 साल में और फर्क आएगा, क्योंकि अभी टैक्स वगैरह अभी जो हैं स्टार्ट हो गया। हाँ, इनसे टैक्सीज आपकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है ना। टैक्सीज एंड अगर लोकल में, अभी पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हो रही है लोकल हाँ मैन्युफैक्चरिंग, अभी से स्टार्ट हुई है इस फील्ड में, तो वो एक फ़र्क होता है। सो कौन सी आपकी फेवरेट कार है इन सब कार्स में से? 20 कार्स दिखाई गई हैं, उसके एग्जैक्टली बारे में बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर मजीद कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, पसंद आइए तो लाइक ज़रूर करें, हमारा एग्जैक्टली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस हासिल कर सकें। बिल्कुल और अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोज़ के साथ, तब तब तक तक के के लिए लिए खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।